मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और उससे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी देख चुके हैं, तो बहुत कुछ आइडिया हमें है डिफरेंशिएशन क्या होता है। और इनिशियली आप 11th लेवल पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर ही रहे थे फंक्शंस को, तो थोड़ा डेफिनेशन को हम और किस तरह से ज़्यादा रिफाइंड कर सकते हैं ये कोशिश करेंगे, ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले इस वर्ड का मीनिंग समझा जाए कि ये क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग। अब देखिए, फिर एक और वर्ड आता है कि डिफरेंशिएटिंग मीन्स क्या होता है। हमने बोला डिफरेंशिएशन को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। सपोज एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको आप बोल रहे हो कि ठीक है, इट इज द डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब डिफरेंशिएशन जो है वो ये है, इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन दी जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर आप बाइक चला रहे हैं और उसमें स्पीड कम है, तो वेलोसिटी बोल लीजिए इसको, वेलोसिटी कम है, जिसको कि हम ds/dt से लिखते हैं। फिजिक्स में आप जानते हैं कि ds/dt को वेलोसिटी जो शो करते हैं। तो पॉइंट वहाँ यह है कि जो ds/dt है, वेलोसिटी आप डिनोट कर रहे हैं, दैट इज द ds/dt। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, इनके बीच में रेशियो कम है। मीन्स जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है वो कम है और टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो इनका जो रेट ऑफ चेंज है वो कम आएगा, दैट विल बी लेस वैल्यू, राइट। सो वी विल से दैट द इट्स वेलोसिटीज कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो ये चीज वर्ड हम टर्म यूज करेंगे। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ ज्यादा होगा एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे का, तो उसमें ये बोलेंगे कि वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर इसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएंगे, लेट से दिस साइड इज एस, तो अगर ये ग्राफ हम लेते हैं तो ये लेस वेलोसिटी शो करता है, ठीक है। और अगर दूसरा ग्राफ लेंगे जो बहुत ज़्यादा अगर ऊपर स्ट्रेट जा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि जो डेल्टा टी है किसी समय पे टाइम लेगा, मान लीजिए करस्पॉन्डिंग टाइम लेगा डेल्टा टी, लेट से दिस इज द डेल्टा टी एंड डीएस। और उस समय में हम देखेंगे जो करस्पॉन्डिंग स्लिट कट होगी उस पे, यहाँ पे, सो दैट विल बी द थिक स्लिट कट। तो यहाँ पे जो दैट विल बी द डेल्टा एस, ये जो आएगी, दैट स्लिट विल बी द थिकर देन द टाइम स्लिट ऑन द ग्राफ, राइट। और उसमें जो हम कंडीशन लगा देते हैं, दिस इज नोन एज द डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और इस पे कंडीशन लगा देते हैं लिमिट की, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज नोन एज द वेलोसिटी, वी नो दिस इज द वेलोसिटी एंड इट इज नोन एज द ds/dt, इट इज ऑल्सो नोन एज द ds/dt। तो देखिए ये वेलोसिटी हो जाती है, राइट। हम अगर अपने मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो इसमें मैथमेटिकली भी सेम होगा, वाई वेरिएबल है और हम लेंगे एक्स वेरिएबल, तो उसके लिए जो फर्स्ट डेफिनेशन यही दी जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल मीन्स वाई वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल इज एक्स, सो दैट इज नोन एज द dy/dx। और यहाँ जो डेफिनेशन है वो ये है कि फंक्शन इस तरह से है एंड यू हैव टू कट द वन स्लिट, इस पर्टिकुलर कर्व पे एक डेल्टा एस लेंथ लेंगे, डेल्टा एक्स लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ इधर डेल्टा वाई मिल रही है आपको, सो दैट लेंथ इज डेल्टा वाई, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो वाइज रेट ऑफ चेंज लेंगे, एक तरह से रेशियो वर्ड टर्म राइट नहीं है, बट उस समय में इस पर्टिकुलरली इंस्टेंटेनियसली अचानक जहाँ जिस पॉइंट पे हमने इस वैल्यू को लिया है, इस वैल्यू पे डेल्टा
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो लिया, और उस पर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो की लगा देंगे, कि ये स्लिट जितना बारीक होगा इतना उसको दोनों में जो रेट ऑफ चेंज है वो एक्यूरेट मिलेगा, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज द डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज नोन एज द डी वाई बाई डी एक्स इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स. और यहाँ पे एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम जो डी वाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई डी एक्स वाई यहाँ पे लिख देते हैं, तो वाई की जगह आपने देखा होगा यहाँ साइन लिखा होता है. अगर फंक्शन आपका वाई इक्वल्स टू साइन एक्स है, फंक्शन आपका वाई इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो यहाँ जो ये पर्टिकुलर ये चीज है, दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल कॉफिशियंट. दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल कॉफिशियंट, एंड दिस इज द कॉफिशियंट, दिस इज द डिफरेंशियल कॉफिशियंट विद एक्स ऑन टू द वाई एंड डिफरेंशिएट द फंक्शन. सो इट इज नोन एज द डिफरेंशियल कॉफिशियंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशियल ऑपरेटर. दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल ऑपरेटर. मतलब जो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको ऑपरेट करने वाला कॉफिशियंट, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द डी वाई डी एक्स. दिस पर्टिकुलर वैल्यू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई. तो जब हम ये लिख रहे होते हैं तो हमें देखिए एक बात ध्यान रख देना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई और डी एक्स सेपरेट नहीं है. एक्चुअल में ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ वाई है, दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ वाई है, एंड दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल कॉफिशियंट विच एक्ट्स ऑन टू द वाई एंड अल्टीमेटली डिफरेंशिएट द फंक्शन, राइट. तो इस तरह से इसको बात को समझना चाहिए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन इज नोन एज द डिफरेंशिएशन. इसकी फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हुई. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहीं पे एक चीज और जानना चाहेंगे कि इसको हम कितने तरह से लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स को. अभी इसकी हम बहुत ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी जाने वाले हैं, ये सब मैं डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, तो मैं बहुत स्पीडली यहाँ से पास आउट हो जाऊँगा इसमें से, आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर करते हुए, और हम उस पर आएंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे. सो पहले हम ये देख लें कि इसको कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो वेज टू राइट, वेज टू राइट, हाउ मेनी वेज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. सो फॉर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, सो डी वाई बाई डी एक्स जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, वाई वन बोलते हैं, दैट इज नोन एज वाई डैश, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द डी वाई. सो देर आर फाइव वेज टू राइट द डेरिवेटिव. अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसके बाद में अगर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे इसको ऐसा बोला जाता है, दिस इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दिस इज एफ डबल डैश एक्स वाई टू वाई डबल डैश एंड डी टू वाई, दिस इज डी टू वाई नॉट डी स्क्वायर वाई, राइट. और उसी तरह से उसको बोलेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू. अगर आप थर्ड डेरिवेटिव में जाएंगे तो उसको थर्ड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, दिस इज डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, दिस इज एफ ट्रिपल डैश एक्स डेरिवेटिव हो गया, वाई थ्री थर्ड डेरिवेटिव हो गया, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया, एंड दिस इज डी थ्री वाई, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. और सपोज हम nth डेरिवेटिव में आ जाएं इस तरह से डिफरेंशिएट करते हुए, सो वी कैन राइट द nth डेरिवेटिव लाइक दिस, दिस इज डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, एंड दिस इज कॉल्ड द एफ. अब देखिए रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, रोमन नंबर्स के लिए एन के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो उसके लिए एक काम करना पड़ता है, एन को लिख के ऐसे ब्रैकेट में लिख देना पड़ता है डी एन एक्स, क्योंकि एन को हम कैसे दिखाएंगे रोमन नंबर्स में, ठीक है. एंड दिस इज वाई एन वाई एन, और यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव तो हम रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं,
लेकिन एन को कैसे लिखेंगे, तो एन को एन लिख के उसमें ब्रैकेट में उसको लिख दिया था, एंड दिस इज नोन एज द डी एन वाई। इस तरह से ये जो है डेरिवेटिव्स को, दीज आर द वेज टू राइट द डेरिवेटिव, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। इसके बाद में हम लेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए ज्योमेट्रिकली हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में हमने वो चीज की थी कि उसमें जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया था उसको पहले हमने कॉर्ड बनाया था, कॉर्ड में जो कंडीशन लगाई थी, तो जो कॉर्ड है दैट बिकम्स द टेंजेंट लाइन एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, वही चीज हमने लिखी थी। वही मैं थोड़ा फास्ट उसको रिवाइज करूंगा यहाँ पे, और देखिए ये था इसका मतलब, इसमें दो कर्व्स हमने लिए थे, दो पॉइंट्स लिए थे सॉरी, पी पॉइंट था एक्स एफ एक्स और फंक्शन हमारा था वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। इस फंक्शन में पी और क्यू पॉइंट्स थे, दीज आर द टू पॉइंट्स राइट, और उन पॉइंट्स को लेके हमने ज्वाइन किया एंड वी हैव क्रिएटेड वन कॉर्ड, और यहाँ से एक ट्रायंगल बनाना है, इस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने, सो लेट से दिस इज पी क्यू आर है, और ये जो लेंथ थी इस जगह क्यू पॉइंट भी एक लेट करना पड़ेगा, लेट से दिस इज एफ सी एफ सी। अगर इसमें एक्स की वैल्यू सी प्लेस कर रहे हैं, एक्स की जगह सी कॉमा एफ सी लिखा मैंने, सो इफ एक्स इज सी देन वाई वाई जो हो जाएगा वो एफ सी हो जाएगा, वाई की वैल्यू एफ सी हो जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए बीइंग इन अ करस्पॉन्डिंग एंगल दिस इज ऑल्सो थीटा। अच्छा क्या हम इसका स्लोप ऑफ कॉर्ड बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू कॉर्ड का स्लोप जो होगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ है ऊपर, दिस लेंथ इज एफ एक्स माइनस एफ सी, दिस इज एफ एक्स द फुल लेंथ माइनस एफ सी, सो दिस लेंथ इज एफ एक्स माइनस एफ सी लेंथ डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स माइनस सी, दिस लेंथ इज एक्स, दिस इज द ओरिजिन हियर, तो ये पर्टिकुलर ये लेंथ एक्स है और ये सी है, तो क्या इसे हम एक्स माइनस सी लिख दें, और एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अब यहाँ जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का मेन, उस चीज पे आने के लिए हमने ये कंडीशन रखी थी, अजम्पशन ये रखा था कि व्हेन पी टेंड्स टू क्यू, जब पी क्यू के ऊपर आ जाए, पी टेंड्स टू क्यू, और इनिशियल एजम्पशन में ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जरूर एज्यूम्ड है कि पी एंड क्यू आर वेरी नियरर, सो दिस इज द अवर एजम्पशन पी एंड क्यू आर वेरी नियर पॉइंट्स, वेरी नियर पॉइंट्स ये जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कॉर्ड का स्लोप चेंज कर सकता है। तो हम लगभग मैथमेटिकल जितने ग्राफ्स बनते हैं उनमें अगर हमने पॉइंट को बहुत ही पास पास ले लिया, अगर आप सेम पॉइंट नहीं लेते हो, एक्स इक्वल्स टू टू पे एक पॉइंट लेते हैं और एक्स इक्वल्स टू पॉइंट जीरो 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 टू पे भी ले सकते हैं, तो वो दो डिफरेंट पॉइंट शो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे दिखाने के लिए दोनों पॉइंट्स हमने बहुत डिस्टेंस पे दिखाए हैं, ये एक्चुअल में बहुत पास में है, ये इतना पास में है कि जैसे कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स इक्वल टू टू पे पॉइंट जो मिलेगा वो आप मान लीजिए, और एक्स इक्वल टू पॉइंट जीरो 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 टू पे या टू पॉइंट जीरो 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 वन पे, और फिर वैल्यू निकाली जाए, तो उसको हम मानने को कह सकते हैं कि वो क्वाड है क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट कंसिडर हो गया ग्राफ में, लेकिन वो पॉइंट बहुत पास है, ये मैथमेटिकल अजम्पशन लेना पड़ता है। कारण यह है कि अगर ये अजम्पशन नहीं लेंगे तो जब हम कॉर्ड को टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, कहने का मतलब जो पी पॉइंट क्यू पॉइंट के ऊपर आएगा, उस समय क्या होगा कि कॉर्ड का स्लोप चेंज कर जाएगा, जब वो टेंजेंट लाइन बनेगी तो दूसरी टेंजेंट लाइन बन जाएगी और उसका स्लोप अलग आएगा,
कॉर्ड का स्लोप डिफरेंट था, तो जो टेंजेंट लाइन जिसमें पी पॉइंट क्यू पे आएगा तो उसके बाद में उसका स्लोप डेफिनेटली चेंज करेगा, तो वो हम नहीं चाहते। अंजम्पशन में हम चाहते हैं कि उसको हम दिखाएं तो इनिशियली कॉर्ड, यही इसका मेन, देखिए ये सेंट्रल थीम यही है यहाँ पे कि दिखाना, हम चाह दिखा के हम कॉर्ड दिखा के और उसको ट्रायंगल क्रिएट करके वहां से हम स्लोप तो निकाल पाते हैं, स्लोप टेन थीटा निकाल पाते हैं, लेकिन फिर उसे हमें टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी एंड क्यू आर द वेरी नियरर पॉइंट्स, राइट। अब देखिए इसमें ये कंडीशन लगाएंगे, एज पी टेंड्स टू क्यू सो द एक्स टेंड्स टू सी, जब पी पॉइंट क्यू के ऊपर आएगा, पी पॉइंट टेंड्स टू क्यू तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स और इसका सी, तो सो एक्स टेंड्स टू सी, एक्स पॉइंट पी सी के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर अब हम इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट पी टेंड्स टू क्यू, इस स्टेटमेंट की लिमिट ले रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, यहाँ पे भी इसका स्लोप लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एंड दिस इज एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये जो वैल्यू है इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, दिस इज द एफ डैश सी, या इसको बोल लीजिए डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी बोल दीजिए, या इसको हम टेन थीटा बोल देंगे, टेन थीटा यही जो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो गया, दो पॉइंट की जगह सिंगल पॉइंट रह गया, नाउ द लाइन इज टचिंग द कर्व एट द सिंगल पॉइंट। इसके बाद जो सेम बाद में जो पोजीशन बनती है उसमें यह है कि ये पी और क्यू दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, और दिस इज द पी और यू कैन से क्यू पॉइंट, पी क्यू के ऊपर आया है, सो दिस इज द सिंगल पॉइंट एंड द लाइन इज मेकिंग दिस थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, सो दिस इज द स्लोप, राइट, एंड इट इज गिवन बाय द लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। सो देखिए बेसिकली अगर पूरी चीज को हम यहाँ निकालें तो ज्योमेट्रिकली हम ये बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो आप ऐसा है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का, हम कॉस एक्स लिख देते हैं, तो साइन एक्स पे बहुत सारी जगह डेरिवेटिव निकलता है। देखिए इस पॉइंट को भी आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए साइन एक्स का कर्व है, साइन एक्स का कर्व है, राइट, अगर हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे तो टेंजेंट लाइन का स्लोप ये आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव हम बिल्कुल यहाँ पाई बाई टू एंगल पे निकालेंगे तो उसका स्लोप ये आएगा, तो वो स्लोप इसका आना ही है, इस लाइन का स्लोप जीरो होगा। तो आप जानते ही है साइन एक्स का कर्व है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है, और इसको मैं सपोज करूँ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स को, इस डी वाई डी एक्स को मैं निकाल दूँ, डी वाई डी एक्स को इस पॉइंट पे, ये हो गया एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पे, तो देखिए पाई बाई टू पे क्या होने वाला है, सो एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, तो एक्चुअल में ये एफ डैश सी निकला है, दिस इज द एफ डैश पाई बाई टू निकला है, और वो चीज हम यहाँ ग्राफिकली भी देख पा रहे हैं कि जो टेंजेंट लाइन है इट्स स्लोप इज जीरो, इट्स स्लोप इज जीरो, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो ये तो बिल्कुल होना ही था, ग्राफिकली हम उस चीज को चेक कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, कि इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसके आगे हम लेते हैं इसमें, देखिए ये चीज हमने क्लियर की, यहाँ पे एफ डैश सी को हमने लिखा इसके इक्वल, और ये डेरिवेटिव है एक सिंगल पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव शो करता है। अब इसको और क्लियर करते हैं अभी हम, जिस चीज को हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल रहे हैं दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व, तो
पॉइंट क्या होता है कि जब आप डिफरेंशिएट कर देते हो, कोई फंक्शन दिया रहता है, आप उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल हम देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू बन जाती है, हमारे पास फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेस को लेके हम उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए क्या चीज हो जाती है इसमें, उसमें ये हो जाता है कि वो जो कर्व है उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए किसी कर्व का आपने कोई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये कर्व था वाई इक्वल्स टू एफ एक्स था, और इसकी अब आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो एक कोई वैल्यू आ गई है आपके पास में, वो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। अब आप क्या करते हैं कि उसमें कोई पॉइंट प्लेस करते हैं, राइट, पॉइंट प्लेस करते हैं, तो वो पॉइंट सपोज यहाँ पे लाई करता है, वो पॉइंट अगर यहाँ लाई करता है एक्स इक्वल्स टू ए पे लाई करेगा, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पे आ जाएगा, वो एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू बनेगी, लेट से वो एक ए वैल्यू बनेगी। अगर मान लीजिए इसी डी वाई बाई डी एक्स में, इसी डी वाई बाई डी एक्स में मैं मान लीजिए पॉइंट ये यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू बी पॉइंट है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा और डी वाई डी एक्स आएगा एक्स इक्वल टू बी पे, तो वो मान लीजिए वो बी आया, तो मतलब ये स्लोप ऑफ, सो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स इक्वल टू ए आया ये, और ये जो चीज आएगी ये यहाँ बी पे आएगा, मान लीजिए इस ए पॉइंट पे जो एक टेंजेंट लाइन खींचे अगर, तो इसका जो स्लोप होगा वो थीटा है, मान लीजिए ये अल्फा एंगल बना रहा है, राइट, ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस समय जो स्लोप आएगा एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये जो लाइन बना रही होगी वो टेन अल्फा एंगल बना रही होगी, अल्फा एंगल बनाने वाली होगी, और इसकी पोजीशन ये होगी कि एक्स एक्सिस से अगर एंगल चेक करेंगे तो अल्फा होगा उसका, राइट। और उसी डेरिवेटिव में जो फंक्शन ये था कोई, उसको डिफरेंशिएट आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और अब अगर उसमें एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट ना रख करके आप सपोज उसमें एक्स इक्वल टू बी पॉइंट रखते हैं, ठीक है, बी पॉइंट रखते हैं, तो एक्स इक्वल टू बी पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनने वाली होगी, मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बनाऊं क्योंकि टेंजेंट लाइन कट नहीं करती है, वो आगे हम पढ़ेंगे आगे चल के, एक्स इक्वल टू बी पे, तो ये टेंजेंट लाइन सपोज करो और आगे आ रही है, एंड लेट से इट हैज द एंगल बीटा, और इसका एंगल जो है बीटा बन रहा है, राइट, एंड इट इज गिविंग द, दिस इज द स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एंड एट द एक्स इक्वल टू बी, एंड इट इज गिविंग द टेन बीटा एंगल, टेंजेंट लाइन होगी बीटा एंगल बनाने वाली, तो वो जो हम जिस भी कर्व को हम नहीं जानते कि उसकी शेप, क्योंकि कोई भी अगर एल्जेब्रिक कर्व अगर है डेफिनेटली कोई कर्व शेप तो वो बनाता ही होगा, ठीक है, उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया उठा के, अब क्या किया नेक्स्ट, और उस कर्व पे जो कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स में एक्स की वैल्यू टू या थ्री या जो भी कुछ आप प्लेस करते हो, तो क्या होता है उस एक्स इक्वल टू टू पे या एक्स इक्वल टू थ्री पे जितनी भी वैल्यू आप रख रहे हैं उसमें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो बनेगी उस टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो दिखाता है डी बाई डी एक्स, दैट इज गिवन बाय द डी बाई डी एक्स, सो इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन गिवन बाय द डी वाई बाय डी एक्स, तो ये देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका यही निकल के आता है, इसको हम इस दूसरी तरह से भी समझने की एक कोशिश की है, और थियोरेटिकली और उस डायग्राम से जो बुक्स में दिया होता है वो भी हमने लिया था, तो दोनों तरह से इसको ट्राई किया है। और यहाँ पे जो चीज मैं बताना चाह रहा था कि हमने एफ डैश सी की वैल्यू, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एंड दैट इज द एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से दिया था, एंड दिस इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और इसमें आपको याद है हमने आर एच एल एच डी और आर एच डी के लिए वर्क किया था, सो दिस इज द वो फॉर द आर एच डी, एल एच डी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल एफ डैश सी वैल्यू थी उसकी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच से हमने उसको डिनोट किया था, और यहाँ जो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी थी आर एच डी, या इसे बोलेंगे आर एफ डैश सी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हमने लिखा था
उसको इवेल्युएट किया था पिछले टॉपिक में, डिफरेंशिएबिलिटी में, उस पर सारा वर्क कर चुके हैं हम उसका, ठीक है। सो वो चीज़ थी आपकी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि ये डेरिवेटिव जो है वो एफ डैश सी की ही वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड है एंड दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि इसको हम वापस जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पॉइंट से एक्सप्रेस हो रहा है, सी को हटा के अब मैं वापस एक काम करूं, सी की जगह वापस एक्स रख दूं, तो वो जनरल डिफाइन कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सो अगर सी को हम रिप्लेस कर दें वापस एक्स से, तो देखिए अगर सी की वैल्यू को इक्वल्स टू एक्स रख देते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी लिमिट एच टेंस जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आप ध्यान रखिए कि इसी चीज को मैं डेराइव करने वाला हूं आगे, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन बाय डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये जो डेरिवेटिव करते हैं, और इट इज कॉल्ड द एबी इनिशियो मेथड, एबी इनिशियो इनिशियो मेथड, दिस इज द सेम मेथड। और इसी फॉर्मूले को हम यूज करके सारे जितने भी फॉर्मूलेज हमने निकाले हैं कि ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये जितने भी डेरिवेटिव हमने निकाले हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके किए हैं। इस जगह थोड़ा सा और मैं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देता है, कई बार डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिख देता है। हम जिस फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले को डेराइव करेंगे आगे चल के वो ये वाला होगा एफ डैश एक्स। इसको और करके आप ये भी याद रख सकते हैं, देखिए दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देगा एक्स की जगह, और जो एक्स में स्मॉल चेंज होता है डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई दिस इज द स्मॉल चेंज चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स से डिनोट होता है, डेल्टा वाई होता है स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में जो स्मॉल चेंज है वो डेल्टा वाई है, एक्स में स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स है, और जो एच है वो हमारी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। ये सब बहुत स्मॉल वैल्यूज है, वेरी स्मॉल, लाइक 0.00001, एक्स की हो या वाई की हो किसी की भी हो, ये उतनी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए है यहाँ पे यदि हम एक्स की एच की जगह अगर डेल्टा एक्स लिख दें तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये भी फॉर्मूला जो है डेराइव किया हुआ आपको बुक्स में मिलेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देखिए ये सी वाली वैल्यू के जो आर एच डी का फॉर्मूला था, उस आर एच डी फॉर्मूले में सी की जगह जनरल एक्स लिख देते हैं तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला सामने आता है, राइट। इसको कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप ये दोनों चीजें मैं साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आए कि हाँ दोनों ये चीजें एक है, और ये जो चीज क्रिएट की गई है वो आर एच डी के फॉर्मूले से सी की जगह वापस, मतलब वो डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे था, वापस हम जनरल डेरिवेटिव चाहते हैं, तो जनरल डेरिवेटिव चाहते हैं तो जो स्पेसिफिक पॉइंट था सी उसकी जगह वापस एक्स रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं जो जनरल हो जाएगा, तो उस तरह से उसको सी की जगह वापस एक्स रखने से हमें ये चीज मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव इस तरह से, ये दोनों एक ही बात है। अब हम आएंगे इसके बाद में हमारे फंडामेंटल रूल्स पे आते हैं, जो जिससे हमें डिफरेंशिएट करना होता है, जिस तरह से हमने लिमिट में सीखा था सेम एग्जैक्टली इन द डिफरेंशिएशन। सो दीज आर नोन एज द फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज। ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है, फंडामेंटल लॉज में हम वही लेने वाले हैं,
अगर फर्स्ट लॉ ये है कि अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं आप डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स ऑफ एफ एक्स, के इज सम कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कम्स आउटसाइड, अच्छी तरह से मालूम है आपको, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। कोई फंक्शन ऐसा है इफ वाई इक्वल्स टू के गिवन टाइम्स ऑफ यू प्लस माइनस के टू टाइम्स ऑफ वी, लाइक दैट यू वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स। इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये डिस्कशन लिया जा रहा है इस तरह का हो, देन तब जब हम डी वाई बाई डी एक्स इसमें करेंगे तो के वन, देखिए यहाँ प्लस माइनस साइन से सेपरेट हो जाता है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, ये डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस के टू कम्स आउटसाइड एंड दिस इज डी वी बाई डी एक्स, प्लस माइनस अगर के थ्री था, डब्ल्यू अगर होता तो उसको भी आगे कर देते, प्लस माइनस के थ्री डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, इस तरह से चल जाएगा। सो कॉन्स्टेंट कम्स आउटसाइड एंड यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द वेरिएबल। सो ये जो यू वी डब्ल्यू है ये मैंने लिखा है, दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स, सो दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। मान लीजिए जिसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, दिस इज थर्ड वन प्रोडक्ट रूल, इफ वाई इक्वल्स टू यू इन यू इन टू वी, मैं बिल्कुल वही लिखना चाहूंगा जिस जो ज्यादातर सभी स्टूडेंट इसी नाम से जानते हैं, यू इन टू वी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कीपिंग फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर रखेंगे डी यू बाय डी एक्स, तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर तीन फंक्शंस हो, वाई इक्वल्स टू यू वी और डब्ल्यू तीन फंक्शंस हो, देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द वन कीपिंग टू आउटसाइड एट अ टाइम, एट अ टाइम कीप आउट टू आउटसाइड एंड डिफरेंशिएट द थर्ड वन, तो उसको देखिए कैसे करना होगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए यू वी बाहर निकाला डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, प्लस इस बार वी डब्ल्यू बाहर कर देते हैं, वी डब्ल्यू आउटसाइड एंड डी यू बाय डी एक्स, प्लस एक बार यू वी बाहर वी डब्ल्यू, अब की बार यू डब्ल्यू बाहर कर देंगे, यू और डब्ल्यू आउटसाइड देन डी वी बाय डी एक्स, इस तरह से होता है। अगर तीन फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, आप चाहो नहीं हम दो फंक्शंस का लगाना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, पहले इन दो को फंक्शंस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, उसको हम उसमें रख देंगे और बाद में उसको भी लिख सकते हैं। सो यू कैन मल्टीप्लाई, मतलब ये करना होगा कि इन दोनों फंक्शंस को एक फंक्शन बना के एक ब्रैकेट में रख दें और इसको सेकेंड फंक्शन ले लें, सॉल्व कर दें। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल मैंने लिखा, इसके बाद आता है क्वेश्चन रूल, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट लूंगा मैं क्वेश्चन रूल, डिवाइड रूल मीन्स नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन रूल और डिवीजन लॉ, सिंपली बोलिए डिविजन लॉ, जब एक फंक्शन इफ वाई इक्वल्स टू यू बाई वी हो और डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, डी वाई बाई डी एक्स तो पहले डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आएगा, फिर आप डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, माइनस अब की बार न्यूमिनेटर वाला फंक्शन बाहर रहेगा, बीच में यहाँ माइनस लगता है डी वी बाई डी एक्स एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय द वी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है ये लगता है इसमें, राइट। तो देखिए ये बेसिक फॉर्मूलेज हुए, और इसके बाद में एक और हम लिख देते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसका उल्टा होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, सो दिस इज द अपोजिट ऑफ दैट। अब ये दोनों क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती हैं तो ये वन आएगा हमेशा, सेम फंक्शन हो, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स,
पहले आप उसको वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, सो यू विल गेट द डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी बार एक्स को वाई के टर्म्स में लिख के डी एक्स बाई डी वाई करना होगा, डी एक्स बाई डी वाई। और जब डी एक्स बाई डी वाई कर देंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला। तो ये एज पर सिचुएशन यूज आता है, जहाँ भी होगा हम देखेंगे इसको किस तरह से यूज करना रहेगा। ठीक है, अब हम देखिए मेन उस पे आते हैं। डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं, उन फॉर्मेलिटीज से मैं पास हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में चला जाए और वो सीक्वेंस हम लेके ही काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, देन कम्स द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सो देर आर सो मेनी मेथड्स बाय विच वी सॉल्व द गिवन फंक्शन। सो नाउ द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। देर आर सो मेनी मेथड्स, एम ओ डी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सो वी डिफरेंशिएट द फंक्शन बाय सो मेनी वेज। तो वो डिपेंड करेगा, इसमें जो पहला आता है वो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल इट इज ऑल्सो नोन एज द ए बी इनिशियो मेथड, इनिशियो मेथड, और इट इज ऑल्सो नोन एज द डेल्टा मेथड, डेल्टा मेथड, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, सारे फॉर्मूले जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही उनको डेराइव करके उनकी फॉर्मूलेज जो हमने बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, सब वहीं इसी से आते हैं। तो वो मैं कई सारे इम्पोर्टेंट आपको एक एक फर्स्ट प्रिंसिपल